अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वॉचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं आज, इसमें हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपील्स, रिव्यू एंड रिवीजन से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम अपील और रिव्यू को कम्प्लीट करेंगे। 161 अपील्स, ये अब अपील से रिलेटेड है। 162 में इसकी लिमिटेशन का बताया गया है। इसका सब सेक्शन 1 है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। वो कह रहे हैं कि अगर तो इस एक्ट में, लैंड रेवेन्यू एक्ट में कहीं कोई इससे रिपग्नेंट बात की गई है तो उसको आप हम मान के चलेंगे। ये सेव कह रहा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। अदरवाइज ये जो अपील के रिलेटेड यही सेक्शन अप्लाई होगा, लेकिन अगर इससे कोई और बात की जा रही है इस एक्ट में तो उसको मान के चलेंगे। Save as otherwise provided by this act, an appeal shall lie from an original or appellate order of a revenue officer as follows namely। अब ये कह रहे हैं कि अपील कहाँ पे फाइल की जा सकती है, ओरिजिनल ऑर्डर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने पास किया है या फिर appellate order पास किया है किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने, उसके अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं। An appeal shall lie from an original or appellate order of the revenue officer as follows। अब इसमें ए बी सी, टू द कलेक्टर व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ईदर ग्रेड। हमने इनकी हायरार्की पीछे पढ़ के आ रहे हैं। देखें, रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी ग्रेड का हो, अगर उसने कोई ऑर्डर पास किया तो उसकी अगेंस्ट हम अपील कहाँ पे फाइल करेंगे, कलेक्टर के पास हम अपील फाइल कर सकते हैं। अब इसमें अगर साथ साथ ही हम करते जाएँ, ये लिमिटेशन 162 में जो बताई गई है, कलेक्टर के पास जब हम अपील फाइल कर रहे हैं तो वो 30 डेज़ में हम फाइल करेंगे। बी, टू द कमिश्नर व्हेन द ऑर्डर इज़ मेड बाय ए कलेक्टर, और अगर कलेक्टर ने कोई फैसला दिया उसके अगेंस्ट हमने अपील फाइल करनी है तो वो हम कमिश्नर के पास फाइल करेंगे, और इसकी जो लिमिटेशन है वो 60 डेज़ है। सो रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी ग्रेड का है, उसके फैसले के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है कलेक्टर को। कलेक्टर के किसी फैसले के अगेंस्ट आप अपील फाइल करना चाह रहे हो तो किसके पास, कमिश्नर के पास, विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज। सी, टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली ऑन पॉइंट ऑफ लॉ व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय अ कमिश्नर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील सिर्फ एक सूरत में फाइल की जा सकती है कि कोई पॉइंट ऑफ लॉ हो उससे रिलेटेड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास हम अपील फाइल कर सकते हैं, और सेकेंडली वो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकती है, निचले वालों के नहीं। क्लियरली बता रहे हैं, टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय कमिश्नर। कमिश्नर का फैसला अगर उस कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे, उसके अगेंस्ट हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील फाइल कर सकते हैं, और इसकी जो लिमिटेशन है वो 90 डेज है। प्रोवाइडेड दैट, नंबर वन, व्हेन एन ओरिजिनल ऑर्डर इज कन्फर्म्ड ऑन फर्स्ट अपील, अस फर्दर अपील शैल नॉट लाई। देखें, अब यहाँ पे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि अगर तो जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसके फैसले के उसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई, और उस अपील में जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको कंफर्म कर दिया गया कि ये जी ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप फर्दर अपील फाइल नहीं कर सकते। पहली बात, ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील में कन्फर्म उसको कर दिया गया है तो आप फर्दर अपील नहीं कर सकते हो फाइल। सेकेंडली, वेन एनी सच ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड ऑन अपील बाई द कलेक्टर। अब दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो कलेक्टर के पास अपील फाइल की गई और उसने ओरिजिनल ऑर्डर को या तो मॉडिफाई कर दिया, उसको चेंजिंग वगैरह कर दी है, उसमें अल्ट्रेशन कर दी है, या उसको रिवर्स कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, दोनों सूरतों में, वेयर वेन एनी सच ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड ऑन अपील बाई द कलेक्टर, कलेक्टर के पास अपील फाइल की, उसने मॉडिफाई कर दिया या रिवर्स कर दिया, द ऑर्डर मेड बाई द कमिश्नर ऑन फर्दर अपील इफ एनी टू हिम शैल बी फाइनल। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, अगर तो कन्फर्म कर रहा था अपेलेट फॉरम, तो फिर तो फर्दर अपील का क्वेश्चन ही नहीं ना उठता। लेकिन अगर उसने मॉडिफाई किया है कलेक्टर ने अपील में या रिवर्स कर दिया है, तो और उसके फैसले के आप अगेंस्ट एक अपील फाइल कर दी गई कमिश्नर के पास, और कमिश्नर का जो भी वहाँ पे फैसला वो कह रहे हैं होगा वो फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट आप फिर फर्दर अपील नहीं फाइल कर सकते हो। तो ये था बताया गया इस रूल वन में कि अपील कहाँ पर होगी। देखें, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी किसी भी ग्रेड का, उसके फैसले के अगेंस्ट कलेक्टर के पास विद इन 30 डेज।
और कलेक्टर के फैसले के अगेंस्ट अपील कहाँ पे होगी? कमिश्नर के पास विद इन 60 डेज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक ही सूरत में अपील फाइल की जा सकती है ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, और कमिश्नर का वो फैसला हो उसके अगेंस्ट हो सकती है। अच्छा, अब इसमें प्रोविजोज में क्या था, दो बातें। अगर अपील में फैसला कंफर्म कर दिया गया ओरिजिनल ऑर्डर तो कोई अपील नहीं फर्दर, अगर रिवर्स कर दिया गया या मॉडिफाई कर दिया गया और वो कलेक्टर ने किया है तो उस सूरत में उसके फैसले के अगेंस्ट अगर कमिश्नर के पास जो भी अपील फर्दर फाइल कर दी गई है तो उसका जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट आप फर्दर अपील में नहीं जा सकते हो। एक्सप्लेनेशन, अब इसमें वन में क्या कह रहे हैं, एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू मॉडिफाइंग और रिवर्सिंग प्रीवियस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी एन ओरिजिनल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। हाँ, अब यहाँ पे वो रिव्यू आगे सेक्शन 163 में आता है, वो कह रहे हैं कि अगर रिव्यू में भी कोई ऑर्डर को रिवर्स किया गया है या मॉडिफाई किया गया, रिव्यू में अपील की बात नहीं हो रही, ओरिजिनल एक ऑर्डर पास किया गया फिर उसके अगेंस्ट एक रिव्यू फाइल कर दिया गया, उस रिव्यू में अगर ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया या रिवर्स कर दिया गया तो उसको भी ओरिजिनल ऑर्डर मान के जाया जाएगा। एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू मॉडिफाइंग और रिवर्सिंग अ प्रीवियस ऑर्डर शैल बी डीम, तो उसको समझा जाएगा टू बी एन ओरिजिनल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो उसको जो रिव्यू में भी अगर कोई फैसला आ रहा है मॉडिफाई का या रिवर्स करने का उसको ओरिजिनल ऑर्डर मान के जाया जाएगा, यानी उसके अगेंस्ट एक अपील आप फाइल कर सकते हो। इसका जो सब रूल टू सब सेक्शन टू है, एन ऑर्डर शैल नॉट बी कन्फर्म्ड मॉडिफाइड और रिवर्स्ड इन अपील अनलेस रीजनेबल नोटिस हैज बीन गिवन टू द पार्टीज अफेक्टेड देयर बाय टू अपीयर एंड बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ एंड अगेंस्ट द ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम। अब मैंने बहुत दफ़ा बात की है कि देखें, जो ये ऐसे नहीं हो सकता कि वन साइडेड एक पार्टी ने अपील फाइल की है और उसको सुन के फैसला कर देना, यहाँ पे ये बकायदा मेंशन भी किया जा रहा है और ये ऐसे ही होता है। दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट जिसके फ़ायदे में फैसला है तो उसको बुलाना ज़रूरी नहीं है, तो उनको भी बकायदा नोटिस दिया जाएगा, उनको सुना जाएगा, उसके बाद ही फैसला होगा। हर लॉ में हर कानून में ये बात लाजमी होती है, दूसरी पार्टी को सुन के फैसला होता है। तो ये भी सब सेक्शन टू में यही कह रहे हैं। सो 161 के बाद 162 ये लिमिटेशंस से रिलेटेड था जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, वो कह रहे हैं अगर किसी इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई इससे रिपग्नेंट बात है तो फिर वो मानी जाएगी, अदरवाइज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील अंडर सेक्शन 161 शैल रन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। अब एक तो अपील किस दिन से, हमने वो दिन काउंट करने हैं जिस दिन वो ऑर्डर पास किया गया, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है उस दिन से जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है। एंड शैल बी क्या होगा, 30 डेज वेयर अपील लाइज टू द कलेक्टर, कलेक्टर के पास अपील करनी है 30 डेज में, कमिश्नर के पास करनी है 60 डेज में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील फाइल करनी है आपने तो 90 डेज में। ये 162 था।